हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ये क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट इसमें निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेस देन टाइप भी निकाल सकते हैं और मोर देन टाइप भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रीफर करते हैं लेस देन टाइप। तो हम पहले निकालेंगे क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है तो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगा, 10 का 10 रहता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 14 60 एंड 60 प्लस 10 70। ठीक है, फिर हम निकालेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। तो 10 प्लस 12 22, 30 46 60 70। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट अगर दोनों सेम आ गया, इट मींस आप कंफर्म हो जाइए कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाल ली है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का एक नाम है इस यहां पे, टोटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग एन, ठीक है, जो कि है 70। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, जहां पे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन है टोटल फ्रीक्वेंसी इन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई इसको कहते हैं आप। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट क्या बचा, एच। एच इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। अब हमारा नेक्स्ट काम रह गया निकालना प्री मिडन क्लास। उसके लिए पहले निकालेंगे हम एन अपॉन टू। एन क्या है, 70, तो 70 अपॉन टू दैट इज 35। अब देखिए ये जो एन की वैल्यू है 35 आई, 35 से जस्ट एवर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 35 से जस्ट एवर क्या है, 46। तो ये क्लास जो हो गया, यही हो गया आपका मिडन क्लास। क्या चेक करना है आपको, n by 2, n by 2 की वैल्यू जो आएगी उससे जस्ट अबव कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा मिडन क्लास। तो ये होगी आपका मिडन क्लास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 35 is 46 and the corresponding class is 40 to 50, ये corresponding class, so 40 to 50 is median class। अब ये सारे निकाल लीजिए आप। फर्स्ट है लोअर लिमिट ऑफ median क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है इसका, 40, L is 40, N क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये कितना आया है 70, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडन क्लास, मिडन क्लास ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, H क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है 10 से 20 का है तो 10 है। नेक्स्ट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मिडन क्लास जो कि C है, तो मिडन क्लास क्या है, ये है, इसके ऊपर क्लास क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 30, ये हो गया 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मिडन क्लास, मतलब मिडन क्लास से जस्ट अबव वाला। अब फॉर्मूला पे लगा दीजिए, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल, एल है 40, एन बाई टू 35 है, माइनस सी, सी है 30 अपॉन एफ, एफ है 16 और एच, एच है 10। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडन क्लास जो कि है 16।
तो 40 प्लस 5 अपॉन 16 इंटू 10 मीन्स 40 प्लस 50 अपॉन 16। 16 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.125। 40 प्लस 3.125 दिस विल बी इक्वल टू 43.125। तो इस डेटा का मीडियन जो हुआ ये हो गया आपका 43 इंटू 125। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन निकालते हैं। कोई क्वेरी है तो वीडियो क्वेरी को पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। और अगर हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।